हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज वाले लेक्चर में हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के प्रीवियस एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं और सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। तो दो क्वेश्चन डिस्कस कराऊंगा, दो ही क्वेश्चन से आपको पूरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझ आ जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन। तो जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर मेरा नहीं लगाया है, मेरी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैंने डाल दिया है, जरूर देख लें, क्योंकि आपको क्लैरिटी आ जाएगी मैंने उसमें क्या बताया है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में हमें सिर्फ लेना क्या है, सेल एंड परचेज, तो उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वहाँ पर मैंने सारे पॉइंट मेंशन करवाए हैं, प्लीज़ ज़रूर देख लें। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, कुछ बैलेंस शीट की फिगर दी हुई है, 31 मार्च 2012 एंड 31 मार्च 2013। तो ये रहा मेरे पास ओपनिंग बैलेंस, ये ओपनिंग हो गया, और ये मेरे पास जिसे मैं क्लोजिंग बोल देता हूँ, करंट ईयर को क्लोजिंग बोल देते हैं। तो फिर मैंने क्या देखा, मैंने देखा कुछ एडजस्टमेंट दे रखी है। किसके बारे में एडजस्टमेंट दे रखी है, प्लांट एंड मशीनरी। तो जैसे ही मुझे पता लगा प्लांट एंड मशीनरी का नाम मैंने एडजस्टमेंट में पढ़ लिया, अब मुझे कन्फर्म हो गया है कि मुझे इसका अकाउंट बनाना है, तो वहीं से इसकी वैल्यूज सॉर्ट आउट होंगी। तो दोनों एडजस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड है, एक में डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, एक में बताया है किस प्राइस पर था, किस प्राइस में बेच दिया, अभी सॉल्व करेंगे। लैंड के बारे में दिया है तो लैंड का भी अकाउंट बना लेंगे। किसके बारे में नहीं दिया है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जिस भी एसेट के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है। तो हम सबको पता है सिंपली अगर इंक्रीज हो रहा है तो परचेज कहलाएगा, और डिक्रीज हो रहा है तो सिंपली वह सेल कहलाएगा। इंक्रीज इन एसेट परचेज ऑफ एसेट कहलाता है, डिक्रीज ऑफ एसेट सेल ऑफ एसेट कहलाता है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं भाई, अकाउंट बना लेते हैं अकाउंट इसका, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, जिसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन दी है उसका अकाउंट बना लो। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं सर, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिखते हैं। सबसे पहले हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, ओपनिंग बैलेंस 8,50,000 और बाय बैलेंस कैरिड डाउन, उसके बाद हम लिखते हैं क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहला काम यही करना है, मैंने लिख लिए ओपनिंग क्लोजिंग, उसके बाद मैंने देखा डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। पर सर आपने तो बताया था एसेट अकाउंट में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन द सोल्ड एसेट जाता है, जो एसेट बेची गई है उसका एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाता है। एक बात मेरे पुत्र याद रखना, अगर क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कोई भी जिक्र नहीं है, अगला क्वेश्चन उसी को प्रकराने वाला हूँ, कोई जिक्र नहीं है तो जितना डेप्रिसिएशन दिया है सारा का सारा ही हम एसेट अकाउंट में कंसिडर कर लेंगे। तो लिख लीजिए डेप्रिसिएशन, लिख लीजिए डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन में आपको सेल परचेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, जैसे कि यहाँ लिखा है 60,000 था, बुक वैल्यू कितना है भाई 60,000, बेचा कितने में 40, तो मुझे पता लग गया बेचा कितने में है 40,000 में। तो बाय बैंक कितना भाई 40,000। क्या मुझे प्रॉफिट लॉस बता सकते हो, सर आपने बताया था बुक वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी होती तो मैं कैसे निकालता, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट फिर से याद कर लीजिए, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या आ जाएगा, बुक वैल्यू। पर जब क्वेश्चन में बुक वैल्यू दे रखी है, ऑब्वियसली इसलिए दी है क्योंकि आपको क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है, इसीलिए आपसे उसके बारे में कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाहता। तो 20,000 का क्या आ गया भाई, लॉस आ गया, क्योंकि आपको बताया था सेल एंड बुक वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाता है, प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। तो मुझे पता लग गया बाय लॉस, लॉस सभी को पता है कहाँ जाएगा, और सर ऑपरेटिंग में चला जाएगा। तो मुझे ये वाला पॉइंट हो गया क्लियर, टोटल कर लिया, टोटल किया तो 11,10,000 आ गया, 11,10,000। और बैलेंसिंग बताएगा कोई, अगर जब भी बैलेंसिंग फिगर आपके पास डेबिट साइड में आती है तो वो क्या कहलाएगी दोस्त, सर वह परचेज कहलाएगी। बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है, यहाँ पर ये बैलेंसिंग फिगर आई है, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रही है तो क्या कहलाएगी सर, परचेज कहलाएगी। तो मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कंप्लीट हो गया, अब मैं मुड़कर इसकी शक्ल भी नहीं देखने वाला, आगे बढ़ते हैं इसकी शक्ल क्यों देखेंगे। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, अब हम बात करेंगे
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के बारे में तो कोई जानकारी नहीं है, लैंड के बारे में, तो लैंड का भी अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, लैंड का भी अकाउंट बना लेते हैं। जट्टी लैंड से जुड़ी हुई है, लैंड क्रूजनर वाले, बस ऐसे करके गाना भी है एक। तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2 लाख, 2 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो जो भी बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, प्रीवियस ईयर का बैलेंस है, वह मेरे पास ओपनिंग बैलेंस हो गया, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। तो यहां से मुझे ओपनिंग क्लोजिंग मिल गई, और एडजस्टमेंट में लिखा था लैंड वॉज सोल्ड एट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कहाँ आएगा, डेबिट में। टू प्रीवियस लेक्चर जरूर देख लें, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी आपको, नहीं तो उतनी क्लैरिटी नहीं बन पाएगी। ये आ गया 2,60,000, और बैलेंसिंग फिगर बाय साइड पर आया। सर क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो क्या कहलाएगा, सर सेल कहलाएगा, क्रेडिट में बैलेंसिंग आएगी तो सेल कहलाएगा। ये हो गया मेरे पास, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगी तो उसे हम सेल बोल देंगे। तो मेरे पास लैंड अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीधी सीधी वैल्यू दी हुई है। अब मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना था इस क्वेश्चन में, तो बना के दिखा देते हैं भाई, ठीक है। तो सबसे पहले प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास सेल वैल्यू कितनी थी, सेल, क्योंकि सेल एंड परचेज ही जाएगा, तो मैंने लिख दिया सेल ऑफ, ऊपर लिख लेते हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से लिखा हुआ है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मेरे पास कितना है सर, 40,000 पॉजिटिव में सेल ऑफ, तो ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव में। परचेज ऑफ प्लांट क्या आ गया सर, परचेज ऑफ, सिर्फ पहले एक एक अकाउंट को कंप्लीट करते जाइए, पहले प्लांट एंड मशीनरी को निपटा लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। कसम खाता हूं मैं तुम्हें समझ आएगा, तो ध्यान समझेंगे, दो स्किप नहीं करें। लैंड, लैंड के बारे में तो सिर्फ सेल आ गई, तो सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ, सेल, सेल ऑफ, सेल ऑफ लैंड कितना निकाला था हमने, सेल ऑफ लैंड ये आया था 160, 160, ठीक है जी। और मेरे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में देखिए, ध्यान से देखिए क्या है, 40,000 की वैल्यू थी, अब कितनी हो गई, 1 लाख, मतलब कि इंक्रीज हो गई। तो ये हो गया परचेज ऑफ, परचेज ऑफ, जैसे ही इंक्रीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे सर, परचेज बोलेंगे। तो ये आ गया नेगेटिव में, तो मैंने देखा नेगेटिव पॉजिटिव करके देखा, तो मेरे पास आंसर आ रहा है 120 नेगेटिव। मैं बोल दूंगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, दिस इज द वे टू डू द क्वेश्चन। फिर से बता रहा हूं, जब भी आपको एडजस्टमेंट दी होगी यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर द अकाउंटेंट फर्स्ट। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्त, देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन और आ गया, ठीक है, रेडी रहिए। देखिए क्या लिखा है, कितना बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट दिया है और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया है। इस क्वेश्चन में आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में ट्रीटमेंट करवाएगा, तो देखते हैं क्या करवाएगा। एडजस्टमेंट दे ही रखी है सर, आपने बताया था सीधा उठाकर अकाउंट बना देना, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं बनाने जा रहा हूं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, सर कौन से वाला बैलेंस लेंगे, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद या पहले वाला, पहले वाला याद रखना, ग्रॉस फिगर लेंगे, ग्रॉस वैल्यू लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे, ग्रॉस, कौन सी वैल्यू लेंगे, ग्रॉस। डेप्रिसिएशन माइनस करने से पहले वाली डेप्रिसिएशन वैल्यू, पहले वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है, पहले वाली ग्रॉस वैल्यू। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नेट वैल्यू या नेट ब्लॉक। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मेरे पास कितना है, 5 लाख है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना है, 6 लाख है। अब मैं एडजस्टमेंट पढ़ता हूं, कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, मशीनरी कॉस्टिंग और एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिए हैं। याद करो मैंने क्या बताया था सर, अगर कॉस्टिंग दी हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया हो, कॉस्टिंग दी हो, ये रही कॉस्टिंग, जब भी क्वेश्चन में कॉस्टिंग दी हो और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो दोनों को माइनस करके, है ना,
क्या बताया था, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। दोनों को माइनस करें तो क्या आ जाती है, बुक वैल्यू आ जाती है। दोनों को माइनस करके क्या आ जाती है, बुक वैल्यू। तो 1 लाख में से 44,000 माइनस किया तो कितना आ गया दोस्त, 56,000। कितना आ गया भाई, 56,000। तो 56,000 क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई। ओरिजिनल कॉस्ट में से 44,000 घटाया 1 लाख में से, 1 लाख में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 44 घटाया तो आ गई 56,000। बेची कितने में, 30 में। बेची कितने में, 30 में। यही पॉइंट पर कहना चाह रहा हूं कि बुक वैल्यू और सेल का डिफरेंस ही प्रॉफिट या लॉस कहलाएगा। तो बाय बैंक तो मुझे पता लग गई कितनी है, बाय बैंक की वैल्यू तो लग गई पता कितनी है, 30,000 है। बाय लॉस कितनी है दोस्त, लॉस कितना है, 26,000। ये लॉस कैसे आया सर, आप ही बता दीजिए। 56,000 बुक वैल्यू आई, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू आ गई। बुक वैल्यू में से बुक वैल्यू को कितने बेचा, 30 में, तो माने लॉस हो गया। ठीक है, पता लग गया लॉस भी मुझे। और यहां क्या लिखना चाहिए सर, यहां एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अल्टीमेट मैं आपको ये बात कहना चाहता हूं, हम बना रहे हैं एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट का नियम है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। कम्स इन किसी जमाने में कितने की थी, 1 लाख की कम्स इन थी, तो गोज आउट भी कितने का होगा भाई, 1 लाख रुपए का ही होगा। ध्यान से देखिए आप इसे, इसकी वैल्यू 1 लाख ही तो बन रही है, इसकी वैल्यू 1 लाख ही तो बन रही है। बस इतनी बात याद रखना, अगर कहीं मिस्टेक भी हो जाए टुकड़े लिखने में, बैंक लॉस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ये मत भूलना कि यहाँ पर जितने की कॉस्टिंग वैल्यू है, हम बना रहे हैं एसेट अकाउंट। एसेट अकाउंट का नियम है डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। जितना आया उतना ही जाएगा, तो उतना ही क्रेडिट होगा 1 लाख। ठीक है, वैसे तो आपको सबको समझ आ रहा है। तो ये आ गया 7 लाख और बैलेंसिंग फिगर आ गई परचेज। तो सर जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है वो किस लिए दिया है, देखो उसका इन्वेस्टिंग से ही। फिलहाल तो अभी कोई लिंक नहीं बन रहा है इस क्वेश्चन में, फिलहाल इस क्वेश्चन में कोई लिंक नहीं है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से, पर उसका रोल जाने अनजाने में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है। कैसे, क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं जाता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं जाता। क्या जाता है वहां पर, वहां जाता है डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग के लिए तो हमारा काम हो गया। इन्वेस्टिंग की बात करें तो इन्वेस्टिंग तो मेरा बन गया, इन्वेस्टिंग में मेरे पास सेल भी आ गई। ध्यान से देखें, मेरे पास इन्वेस्टिंग में सेल भी आ गई, तो मैं यहाँ कोने में आपको करके दिखा देता हूँ कि इन्वेस्टिंग में तो मेरी बात बन गई। इन्वेस्टिंग में मेरे पास, अभी मैंने अकाउंट बना ही लिया, मेरे पास सेल वैल्यू कितनी आ रही है, इन्वेस्टिंग में मेरे पास सेल आ गई, सेल ऑफ, यहाँ लिख देते हैं ऊपर करके, यहीं लिख देता हूँ सॉल्व करके। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितना आ गया भाई, सेल ऑफ एसेट 30,000 था पॉजिटिव में, और परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी मैंने निकाल लिया, 2 लाख निकाला। तो अल्टीमेट इसका आंसर कितना आ गया, 1,70,000, 1,70,000 नेगेटिव में आ गया। इसे बोलेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये तो बन गया। अब हम बात करते हैं भाई, मैंने कहा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का यहां पर रोल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन करना चाहता हूं। तो देखिए ओपनिंग बैलेंस, एक और वर्किंग जाने अनजाने में मैंने आपको कहा है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसी एक्टिविटी है जो ओवरलैप कर जाती है सभी एक्टिविटीज से, कुछ ना कुछ लेके जाती है। तो वर्किंग नोट में हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना लेंगे। एक लाइबिलिटी है तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका ओपनिंग बैलेंस क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 164 प्लस 1 में आप लोगों ने बनाया हुआ है, फिर भी मैं समझा रहा हूं एक बार फिर से। टू बैलेंस कैरी डाउन 180। अब कितना आया था एसेट के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, एसेट के ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था मेरे दोस्त, 44,000। कितना था, 44, वो यहां चला जाएगा, यहां लिख देंगे हम टू एसेट। वहां पर हमने लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां लिख देंगे टू एसेट। तो याद रखना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन
एक तो एसेट अकाउंट में जाएगा, दूसरा जाएगा अगर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए हुए हैं, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग क्लोजिंग टू एसेट अकाउंट, टू एसेट अकाउंट। तो यहां से मेरे पास क्या निकल कर आ गया सर, बैलेंसिंग फिगर निकल कर आ जाएगी बाय स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, क्या आ जाएगी, मतलब इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। आपको अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहेगा इस क्वेश्चन में तो आपसे क्या करवा लेगा, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई। क्या करता है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं देता, क्या दे देता, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। मान लो इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, तो मेरे पास ओपनिंग दिया है, ड्यूरिंग द ईयर दिया है, क्लोजिंग दिया है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती मेरे पास, आ जाती एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये उठाकर कहां लेके जाता, एसेट अकाउंट में। यस, तो कई बार आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग दे देता है, तो याद रखना अगर क्वेश्चन में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने में, क्योंकि मुझे एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही एसेट में लेना है, मुझे क्या लेना है, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही मुझे एसेट अकाउंट में लेना है। पर अगर ऑपरेटिंग भी बनाने के लिए कह रहा है, तो ऑपरेटिंग के लिए मुझे चाहिए डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, वो कहां से निकल कर आएगा, एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट से। तो बाय बैलेंस कैसे बनाते हैं, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस कैरी डाउन, और जो भी एसेट के ऊपर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का डेबिट साइड, और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी स्टेटमेंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं आपको एक खास बात इसमें सीख लिया कि एक्युमुलेटेड, मुझे क्या समझ में आया कि एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, नोट बना लेते हैं, एक तो एसेट अकाउंट में जाएगा, एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगा, दूसरा पॉइंट इटसेल्फ एक्युमुलेटेड, या जिसे हम बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एक ही बात है दोस्त, एक्युमुलेटेड या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वहां जाएगा डेबिट साइड में। तो कई बार क्या होता है, आपको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं देता, सीधा दे देता है क्वेश्चन में, क्या दे देता है आपको, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर, क्या दे देता है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर। अगर आपको डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो बेटा जी आपको एक्युमुलेटेड निकालना पड़ेगा, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं तो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग दिए हुए हैं और ड्यूरिंग द ईयर भी दिया है, तो आपको ये वाला डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला ही डेप्रिसिएशन आपको एसेट अकाउंट में चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो ऐसा करेगा, अदरवाइज तो सिंपली मैंने देख लिया कि एसेट अकाउंट बना लिया, वहाँ एक्युमुलेटेड लिख लिया, पर फिर भी मुझे ऑपरेटिंग बनाने के लिए एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो दिस इज द स्टोरी फ्रॉम माई साइड फॉर द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्लीज़ शेयर भी करें और लोग को फ़ायदा करिए, उन्हें बताइए कि भाई एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो यही बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा, और डालता रहे प्रीवियस एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।